भाई आज हम कंपेरिजन करने वाले हैं 14,000 के वीवो के Y28 5G का केवल और केवल 11,000 रुपए के मोटो Z34 5G से। कंपेयर करेंगे दोस्तों डिस्प्ले, कैमरा, प्रोसेसर का, और जानेंगे कि दोनों में से कौन सा एक बेहतर 5G स्मार्टफोन है, और दोनों में से एक लिया जाए तो कौन सा वाला स्मार्टफोन लिया जा सकता है। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। तो बिना किसी देरी के जल्दी से करते हैं क्विक कंपेरिजन। तो दोस्तों कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले एंड डिज़ाइन से। देख लेते हैं डिस्प्ले एंड डिज़ाइन में आपको क्या कुछ खास फर्क देखने को मिलता है दोनों ही स्मार्टफोन में। एक तरफ है यहाँ पे हमारा वीवो Y28 5G जो भी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, दूसरी तरफ है मोटो G34 5G, ये भी बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। बात करें यहाँ पर डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन की, तो डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन में आपको ज़्यादा कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलता है। जैसे दोनों में ही आपको 6.56 इंच की एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। दोनों में जो रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा केवल और केवल HD+ का देखने को मिलेगा। बात करें थिकनेस और वेट की, तो थिकनेस और वेट में भी खास कितना ज्यादा कुछ खास फर्क आएगा नहीं, क्योंकि दोनों में ही बात करें थिकनेस की, तो थिकनेस दोनों में 8mm के देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा फर्क यहाँ पे वेट में देखने को मिलेगा। एक तरफ आपको वेट देखने को मिलेगा 180 ग्राम का, वहीं दूसरी तरफ वेट देखने को मिलेगा आपको मोटो G34 5G में 186 ग्राम का, केवल और केवल 6 ग्राम का फर्क है। बात करें रिफ्रेश रेट की, तो एक तरफ केवल और केवल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है वीवो में, जबकि अप टू 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा किसमें, मोटोरोला G34 5G में। कुल मिला के देखा जाए तो भाई प्राइस के हिसाब से इतना कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं, तो इसलिए भाई प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले दोनों के ठीक ठाक है। फिर भी डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर है मोटोरोला G34 5G। बात करें कैमरा की, क्या कुछ खास फर्क यहाँ पे आपको कैमरा में देखने को मिलता है। वैसे तो दोनों ही स्मार्टफोन जो बात करूँ बैक साइड से एक डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ में से आते हैं, जिसमें जो मेन प्राइमरी कैमरा है दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। वैसे तो इस रेंज में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा नॉर्मली देखने को मिल रहा है, तो इन दोनों स्मार्टफोन में भी आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। OIS का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि OIS थोड़ी सी महंगी टेक्नोलॉजी है, तो भाई इस रेंज में तो आपको OIS नहीं देखने को मिलेगा। फिर भी बात करें इसके अलावा, एक तरफ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस देखने को मिलता है आपको वीवो Y28 5G में, वहीं दूसरी तरफ आपको 2 मेगापिक्सल का ही मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा मोटोरोला G34 5G में। बात करें सेल्फी कैमरे की, तो सेल्फी कैमरा एक तरफ आपको केवल 8 मेगापिक्सल का मिलता है वीवो में, जबकि 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा आपको मोटोरोला G34 5G में। मेगापिक्सल के अलावा बात करें पिक्चर क्लियरिटी की, तो भाई पिक्चर क्लियरिटी ज़्यादा कुछ खास फर्क आपको दोनों में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी इम्प्रूव बेटर पिक्चर क्वालिटी आपको मोटोरोला G34 5G में देखने को मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल थोड़ी सी पीक ब्राइटनेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी मोटोरोला G34 5G में, इसलिए थोड़ी सी इम्प्रूव्ड पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी मोटो G34 5G में। अब दोस्तों कंपेयर कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर को, देख लेते हैं क्या कुछ खास प्रोसेसिंग पावर इनमें देखने को मिलती है। वैसे तो मैं आपको बता दूं दोनों ही स्मार्टफोन में आपको एक 2.2 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन एक तरफ मीडियाटेक का प्रोसेसर है वीवो में, वहीं दूसरा स्नैपड्रैगन का प्रोसेस है मोटोरोला में। कुल मिला के बात की जाए तो बता दो सबसे पहले वीवो की, तो यहाँ पे आप 2.2 GHz का एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो वर्क करता है मीडियाटेक डेमनसिटी 6020 पे 5000mAh की बैटरी के साथ में 15W की फास्ट चार्जिंग इसमें आपको देखने को मिलती है। 15W की वैसे कोई फास्ट चार्जिंग है नहीं, लेकिन फिर भी कंपनी कहती है फास्ट चार्जिंग, तो भाई 15W की फास्ट चार्जिंग इसमें आपको देखने को मिलती है। अगर इसे कंपेयर करें मोटोरोला G34 5G से, तो यहाँ पे भी आपको एक 2.2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर तो ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन ये वर्क करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G पे। अगर बैटरी और चार्जिंग है, तो यहाँ पे 5000mAh की बैटरी मिलेगी और 20W की फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलेगी। आप देख लेते हैं इनमें से प्रोसेसर कैपेबल ज़्यादा कौन सा है, तो भाई नो डाउट आँख बंद करके आप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 पे भरोसा कर सकते हो, क्योंकि बात करें यहाँ पे इसके CPU परफॉर्मेंस की, गेमिंग परफॉर्मेंस की, ओवरऑल अंतुत्व स्कोर की। वैसे भी दोस्तों 695 इस रेंज में आपको प्रोसेसर मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ख़राब वैसे यहाँ पे डायमेंसिटी 6020 भी नहीं है, लेकिन प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है यहाँ पे। मेरे हिसाब से दोस्तों स्नैपड्रैगन 695 एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि यही प्रोसेसर आपको दूसरे बड़े बड़े ब्रांडों में 18,000 से 20,000 रुपये की रेंज में देखने को मिलेंगे, जैसे OnePlus हो गया, Realme हो गया, और भी बहुत सारे Samsung हो गया, इन यही प्रोसेसर आपको लगभग 18,000 से 20,000 रुपये की रेंज में देखने को मिलते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। अगर आपकी ओवरऑल की जो डे की नीड है, मल्टीटास्किंग करते हो, हैवी यूज़ करते हो, तो स्नैपड्रैगन 695 एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। बात करें एडिशनली क्या कुछ खास देखने को मिलता है, तो भाई ये एक मिड सेगमेंट के फ़ोन है, इतनी ज़्यादा उम्मीद आपको रखनी नहीं चाहिए। फिर भी उम्मीद के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको देखने को मिल रही है। जैसे दोनों ही स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन आजकल आ ही रहा है,
बाकी ओवरऑल दोनों ही स्मार्टफोन में थोड़ा थोड़ा फर्क आपको देखने को मिल रहा है। बात करें इनकी प्राइसिंग की और रैम और मेमोरी के बेसिक वेरिएंट की, तो यहाँ पे जो दोनों का बेसिक वेरिएंट आता है 4GB रैम 128GB मेमोरी के साथ में, यहाँ पे वीवो Y28 5G आता है 14,000 रुपये यानी 13,999 रुपये का। वहीं दूसरी तरफ मोटोरोला G34 5G की बात की जाए तो इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। कंपनी इसका प्राइस रखा गया है 10,999 यानी लगभग 11,000 रुपये का फ़ोन ये आपको मिल जाएगा। कुल मिला के बात की जाए तो भाई 3,000 रुपये का फ़र्क है और प्रोसेसर डिस्प्ले कैमरा हर चीज़ में भी आपको फ़र्क देखने को मिल रहा है, खासकर परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से दोस्तों मोटोरोला G34 5G कम प्राइस में ज़्यादा चीज़ें दे रहा है, ऐसे में आपको मेरे हिसाब से मोटोरोला G34 डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बताना जरूर कि मोटोरोला और वीवो में से आपको कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा पसंद आते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए कंपटीशन के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।